देवास जिले के सोनकच के ग्राम गढ़ खजूरिया में दबंगों द्वारा दलित दंपति पर प्राण घातक हमले करने का मामला सामने आया है। मामला जमीन के विवाद से संबंधित है। VO9 प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गढ़ खजूरिया निवासी देवी सिंह सोलंकी पिता बापूजी सोलंकी जाति बलाई के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंप कर बताया कि रघुनंदन राजपूत पिता कक्कू सिंह राजपूत, राजू पिता धीरज सिंह राजपूत, घनश्याम पिता कालू सिंह भागरी, विश्वनाथ पिता कक्कू सिंह राजपूत निवासी ग्राम गढ़ खजूरिया पुलिस थाना पिपलरावा ने जमीन विवाद में मारपीट की। प्रार्थी ने आवेदन में बताया कि उसे बिना वजह ही झगड़ा करने लगे और विवाद की स्थिति पैदा कर मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे और मेरे परिवारजन को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। 100 डायल को फोन करने पर 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची और पुलिस द्वारा खानापूर्ति कर भगा दिया गया। प्रार्थी द्वारा आरोपियों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। सोनकच से दीपक झाला की रिपोर्ट।